दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में सैलाब के अंदर पेश आने वाले कुराने पाक के एक मोजज़े का जिक्र करेंगे कि कैसे ज़मीन फटी और सैलाब का सारा पानी उसमें समा गया। ये वाकया किस गांव का है और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन सैलाबी कैफियत बरकरार है। 2010 के बाद ये सबसे खतरनाक सैलाब है जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान के चारों सूबे उससे शदीद मुतासिर हुए और शदीद जानी व माली नुकसान का सामना है। हुकूमती मशीनरी अपनी नाअहलियों की वजह से एक बार फिर से नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान की गरीब आवाम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आदाद व शुमार के मुताबिक सैलाब की तबाह कारियों की वजह से इस वक्त 4 करोड़ आवाम बेघर हो चुके हैं, जिनका सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है, जबकि लाखों कीमती जाने भी जाये हो गई है। मासूम बच्चे सैलाबी रेलियों में बह गए और बस्तियों की बस्तियां पानी में डूब गई। सैलाबी रेला जहां से गुजरता है पीछे तबाही की दास्तान छोड़ जाता है। मुखय्यर हजरात अपनी मदद आपके तहत सैलाब जदगान की मदद कर रहे हैं, जबकि हुकूमती सतह पर वो अकदाम नहीं किए गए जो के किए जाने चाहिए थे। सैलाब की तबाह कारियां एक तरफ, लेकिन यहां आपको एक ऐसे मोजज़े की तफसीलात बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि सैलाबी पानी जिस शहर या गांव में दाखिल हो रहा है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का कलाम कितना ताकतवर है कि उसने सैलाब के पानी को एक गांव में दाखिल होने से रोक दिया। ये मोजज़ा पाकिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में पेश आया, जहाँ गाँव के लोगों ने दूर से देखा कि सैलाबी रेला गाँव की जानिब बढ़ रहा है, तो गांव के सभी लोग घरों से कुराने पाक उठा लाए और कुराने पाक को सैलाबी पानी के सामने रख कर ये दुआ की कि आए हमारे रब अपने कलाम की हिफाजत का वादा करने वाले हमारे गांव को इस आफत से महफूज रखना। उनकी ये दुआ कुछ इस तरह से कबूल हुई कि गांव से बाहर खुली जमीन अचानक से फट गई और उसमें 4 किलोमीटर लंबा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला उस शिगाफ में यूं समा गया कि जैसा था ही नहीं। कुदरत के इस मोजज़े को देखकर पूरे गांव ने सजदाए शुक्र अदा किया कि उन पर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। दोस्तों, दुनिया भर के अफराद वक्तन फवक्तन कुदरती आफात, जलजला, सैलाब, तूफान और वबाई अमराज का शिकार होते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाके सैलाब से मुतासिर हैं। बलूचिस्तान से लेकर जुनूबी पंजाब, सिंध के अक्सर इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अजला, बलूचिस्तान और कश्मीर के कई अजला सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मजमुई सूरत हाल को देखकर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में है। अब तक सैकड़ों मर्द औरत, जवान और बच्चे उसकी नज़र हो चुके हैं। लाखों अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी है, हजारों लोगों के घर तबाह और लाखों की तादाद में माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। बेशतर लोग उसे सांसी नुक्ताए नज़र से देखते हुए ये कह रहे हैं कि नेचर हर 5-10 साल बाद ऐसा करती है, ताहम ये दुरुस्त नहीं। जाहिर है कि उनके कुछ जाहिरी असबाब भी होंगे और हमारे साइंसदान और माहिरीन उन असबाब का जिक्र करते हैं और उनकी निशानदही भी करते हैं। हमें उनमें से किसी बात से इनकार नहीं, असबाब के दर्जे में हम हर माकूल बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान करीम ने गुज़श्ता अकवाम पर आने वाली इन आफात व बल्लियात, जलजलों, आंधियों, तूफानों, वबाओं और सैलाबों का जिक्र उन अकवाम पर अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी का इजहार के तौर पर किया है और उनकी कुदरती आफतों को उन अकवाम के लिए खुदा का खास अजाब करार दिया है। और हम यह भी देखते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले अपनी उम्मत में आने वाली कुदरती आफतों की पेश गोई के तौर पर तज़किरा फरमाया है। दोस्तों, इस किस्म के आफात के वकूअ पज़ीर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक मुसलमान की हैसियत से क्या इसके सिर्फ साइंसी पहलू पर नज़र रखनी चाहिए या उसके साथ साथ अपने आमाल की इस्लाह और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रगबत का मजीद इजहार और रुजूह इलाही का एहतमाम करना चाहिए? यह बात जहन नशी रहे कि जलजले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात वगैरह का उकू पजीर होना
अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदों के आमाल पर इजहार नाराजगी है। अल्लाह तबारक व ताला बसा अवकात दुनियावी जिंदगी में भी लोगों को अपने गैज़ो गज़ब के जरिए नेक आमाल की तरफ मुतवज्जे और बुराइयों के अंजाम से मुतनब्बे करता रहता है, ताकि लोग रुजू है इलाही की तरफ अपनी असल मंजिल को ना भूल जाए, वो दुनिया में आकर दुनिया के ना हो जाए, बल्कि अपने रब करीम को हमेशा याद रखें। जब अल्लाह तबारक व ताला इंसानों की नाफरमानियों और सरकशियों पर नजर करता है, जब वो लोगों में तलवी जिंदगी को ज्यादा और तलवी खुदा को कम देखता है, जब इंसान जिंदगी के हर शोबे में जुल्म बगावत को इख्तियार कर लेता है, जब इंसानियत जालिम इंसानों का अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते नजर आते हैं, जब इंसान अल्लाह की तरफ से ऐलान करदा हराम को खुद ही हलाल करने लगता है, जब इंसान अपने जुल्म को अदल और अपने गुनाह को नेकी समझने लगता है, जब अपनी नाफरमानी और सरकशी को अपनी दीनदारी और खूबी जानने लगता है, जब इंसान अपनी बदकिरदारी को अपनी बरतरी तसव्वुर करने लगता है, जब मुआशरे का ताकतवर तबका कमजोर का खून चूसना और ज़ईफ़ लोगों का माल हड़प करना और सवाब दीदी इख्तियार जानने लगता है, जब खैर की कदर कमजोर और शर की इकदार फरोख्त होने लगती है, जब नेकी की बजाय गुनाह और इताअत के बजाय मासियत अपने साये दराज करने लगती है, और जब मुआशरे में इबादत और बंदगी को आर समझा जाने लगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला का अजाब जलजला सैलाब वबाई अमराज और दीगर आफात की सूरत में जमीन पर नाजिल होने लगता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो यह सब कुछ हमारे मुआशरे में मौजूद है, जबकि हमारा कौमी व मिल्ली किरदार मसख हो चुका है, हमारी कौमी इकदार मिट रही है, हम इस्लाम की रोशन तालीमात के बजाय जमाना जाहिलियत के तौर तरीकों की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। हमें आज फिर से उस जात की तरफ पलटना होगा जिसकी पैरवी का रब ने हमें हुक्म दिया है, और उसकी पैरवी में कामयाबी नजात हिदायत और बंदगी का कमाल है, और इस तरह के हालात में हमारा सबसे पहला फरीजा ये है कि हम तौबा व इस्तगफार करें, अपने जराइम और बदआमालियों का एहसास उजागर करें, अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का एहतमाम करें, मुआशरे में बुराइयों को रोकने और नेकियों को फैलाने की मेहनत करें, और दीन की तरफ उमूमी रुजू का माहौल पैदा करें। उसके बाद हमारी दूसरी जिम्मेदारी यह है कि अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करें, उनकी बहाली के लिए कोई कसर ना छोड़े, कि यह हमारी दीनी और कौमी जिम्मेदारी है, उसका अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बहुत बड़ा अज्र है। हजारों खानदानों और लाखों अफराद हमारी मदद और तवज्जह के मुंतजर हैं। अगरचे इमदादी सरगर्मियाँ वसी पैमाने पर जारी है, लेकिन असल जरूरत से बहुत कम है, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, उसके लिए गैर मामूली मेहनत और कुर्बानी की जरूरत होगी। उसके साथ ही इस सिलसिला में जा बाहक होने वाले खवातीन व हजरात के लिए दुआए मगफिरत का एहतमाम भी जरूरी है, चूँकि वो लोग अचानक कुदरती मौत का शिकार हुए हैं, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के मुताबिक वो शुहादा में शामिल हैं, उनके लिए मगफिरत और बुलंदीए दर्जात की दुआ भी हम पर उनका हक है, और हमें अपनी दुआओं में उन्हें याद रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक सैलाब जदगान की मुसीबत को खत्म करे और उन्हें इस अजाब से नजात अता करे, और जो इलाके आफात से महफूज हैं वो सदा महफूज रहें, और जो इस आफात की वजह से जान से गए हैं अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफरत फरमाएं और उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।